संडे को लगता है यह मार्केट कई गुना सस्ते मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम। भारत के कई शहरों में ऐसे मार्केट मौजूद हैं जहां पर ब्रांडेड सामान सस्ते दाम पर मिल जाता है। हालांकि इस तरह के मार्केट के लिए दिल्ली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यहां चांदनी चौक, नेहरू प्लेस, पालिका बाजार समेत कई ऐसे एरिया हैं जहां पर 100 रुपए की चीज 40-50 रुपए में मिल जाती है। इस मार्केट में चोरी के सामान के साथ नए प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। यहाँ से फोन, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, पावर बैंक, ईयर या हेडफोन, टीवी, स्पीकर्स के अलावा कई आइटम मिलते हैं। हेडफोन ये 30 रुपए का। पास में दुकान से। कौन सी डुप्लीकेट कंपनी है सारी? नहीं, हाँ जी। कितने का पीस बेचते हो? हाँ जी, 40 रुपए पीस का खरीदा हुआ जाने के बेचते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज हैं उनके ऊपर भी पायरेसी जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसके कारण लुधियाना के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उन्हीं का कंपनी का जो नाम है जो बाहर जाकर जो बिक रहा है वो जो रेडी फंडी वाले जी उसको बेच रहे हैं जी, वो उसका कारण बताएं जी, किस तरह ये माल बिक रहा है और क्या कह रहे हैं, कितने परेशान हैं जी? मैं मुकेश कलसी, MK कलसी ट्रेडर से पिछले 5 साल से एज ए सुपर पंजाब में इंटेक्स एक्सेसरी देख रहा हूँ। लेकिन अब हमारे सभी दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका कारण ये है कि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारे जितनी बैटरीज हैं, बैटरी की कह लो कि ऑलमोस्ट 70-80 से ज़्यादा माल सारा डुप्लीकेट बिक रहा है, जिसके कारण हमारी कंपनी का नाम ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं है कंपनी कुछ कर नहीं रही, कंपनी ने एक दो बार रेड की है, लेकिन जब भी कंपनी रेड करने जाती है तो क्या करते हैं जो दुकानदार होते हैं, जो होलसेल मार्केट के दुकानदार इकट्ठे होकर उनको परेशान करते हैं, जहाँ पर कोई कार्रवाई करने नहीं देते, इस कारण से कार्रवाई प्रॉपर हो नहीं पाती। सर ऐसा है जैसे कि कस्टमर को तो उसी रेट में माल मिलता है, जैसे मान लो कि कोई बैटरी को 200 रुपये की बैटरी, तो कस्टमर को 200 की बैटरी मिलनी है, हमारी 150 की बैटरी है जो 3-4 जगह से होकर, जैसे मैं सुपर हूँ, 5% मेरा मार्जिन हो गया, 5% किसी और का हो गया, 2-3 जगह घूम कर जो कस्टमर के पास पहुँचती है तो उसी रेट में पहुँचती है। लेकिन जो डुप्लीकेट बैटरी है वो ऑलमोस्ट आपको दिल्ली से गुफार से या यहाँ पर होलसेल जो मार्केट है वहाँ से 50-60 रुपये की मिल जाती हैं। दुकानदार अपने मार्जिन के चक्कर में वो 50 रुपये वाली बैटरी 200 में बेचते हैं, जिसके कारण नुकसान तो ऑलमोस्ट कस्टमर का ही हो रहा है। ये होलसेल मार्केट ही है जी, चाहे दिल्ली का लगा लो चाहे लुधियाना का लगा लो, लुधियाना में गुरु मंडी है, जैसे दिल्ली में गुफार की मार्केट है, इससे सारी पायरेसी हो रही है, डुप्लीकेट माल हो रहा है। हमारी सरकार से यही अपील है कि देखो इसको कुछ करना चाहिए, कि जैसे हम काफ़ी केसेस सारे पीछे मोबाइल ब्लास्ट हो रहे हैं, ये वो करके नाम कंपनी का ख़राब हो रहा है कि किसी कंपनी का मोबाइल ब्लास्ट हो गया, ये वो एक बेसिकली इसके पीछे कारण क्या होता है कि जो डुप्लीकेट बैटरी होती है वो ब्लास्ट होती है, हैंडसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके कारण कहते ही हैंडसेट ब्लास्ट हो गया, काफ़ी नुकसान भी हुआ, जान माल का नुकसान भी, एक दो बार पीछे केस आए काफ़ी हुआ है, तो उस चीज़ को रोकना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये थे हमारे साथ जो इंटेक्स कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर, जिन्होंने बताया कि जो मोबाइल ब्लास्ट होने का कारण जो है बेसिकली क्या है, जिस तरह डुप्लीकेसी बैटरी हैं वो या कोई डुप्लीकेसी एसेसरी जो हम अब मोबाइल के साथ लगा के चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक जानलेवा कारण भी बनता है। लुधियाना से अभिषेक के साथ धीरज कुमार, टाइम्स पंजाब TV।